दोस्तों, किसी को यकीन नहीं था कि तालिबान चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इतना खून बहा देगा। खबर आ रही है कि तालिबान चीनियों और पाकिस्तानियों के खून का प्यासा बन गया है। देखते ही देखते पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने चीनी और पाकिस्तानियों के खून की गंगा बहा दी है। तहरीकिया तालिबान ने चीन को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान खाली करके अपने बढ़िया विस्तार बांधकर चीन वापस लौट जाओ। तालिबान ने चीन को खुली चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान में तुमने सड़क बनाई तो चीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। डर के मारे पाकिस्तान में रह रहे चीनी अधिकारी अब घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। चीन और पाकिस्तान में तालिबान का तांडव जारी है। कुछ दिनों पहले तक चीन को अपना भाई बताने वाला तालिबान अब चीन के लिए कसाई बन गया है। डर के मारे चीन के इंजीनियर और अधिकारी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भयंकर डरे हुए हैं। तालिबान लगातार पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को मारता जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की कुछ खबर बाहर आ रही है और ज्यादातर खबरों को पाकिस्तान दबा दे रहा है। तालिबान पाकिस्तानी सेना के साथ मौत का तांडव खेल रहा है। तहरीकिया तालिबान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान से चीन को खदेड़ने के बाद इमरान खान को बंदी बनाकर ही दम लेंगे। ऐसे में जो चीनी मजदूर, इंजीनियर और अधिकारी पाकिस्तान में काम कर रहे थे वे पूरी तरह से डरे हुए हैं। इमरान खान खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, ऐसे में चीनी लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना का जनरल बाजवा ने इमरान खान का फोन उठाना बंद कर दिया है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जनरल बाजवा तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा सकता है। इस वक्त लाखों तालिबानी पाकिस्तानी सीमा में घुस चुके हैं। पाकिस्तान बार बार उन्हें रोकने के लिए दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबानियों ने पाकिस्तान के सभी दीवारों और दरवाजे को तोड़ते हुए पाकिस्तान में एंट्री ले ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मैं दिल से नमन करता हूँ। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्र हित में वीडियो लाया करें। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाए और वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करके फैला दे। दोस्तों, चीन के लोगों के खिलाफ लगातार हमले हो रहे पाकिस्तान में, और इसीलिए चीन भी अपने सैनिकों को भेज सकता है अफगानिस्तान में तालिबानियों को मारने के लिए। और अभी अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों ने दुनिया में जिहाद फैलाने का जो प्रोपोगंडा चला रहा है उसे जल्द से जल्द बंद करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ घट जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ चीन, रूस, भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और सिर्फ अफगानिस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ही तालिबान के नाम और निशान मिटा सकते हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसने धर्म के नाम पर भारत माँ को तोड़ने का काम किया था। और उस वक्त विभाजन में 4 लाख से ज्यादा मासूम भारतीय मारे गए थे। उन सब की मौत का पाप किस पर लगेगा, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। दोस्तों, अब उसी पाप की सजा तालिबान पाकिस्तान को चुन चुन कर दे रहा है। आज हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भारत से अलग होकर बहुत पछता रहा है। सुरक्षा के नाम पर उसके पास आज कुछ भी नहीं बचा, उसके परमाणु बम रखे हुए है। इसके बावजूद भी तालिबान रोज पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, पाकिस्तानियों की जान ले रहा है। 2 कौड़ी के स्वार्थी नेता धर्म के नाम पर अपनी कुर्सी गर्म करने के लिए भारत की विभाजन कर दी थी, अलग पाकिस्तान बना दिया, जो आज नरक से भी बदतर बन गया है। लाखों मासूमों की लाशें बिछा दी थी। आप हमें नीचे कमेंट में बताइए इन सभी पापों का जिम्मेदार कौन है। आने वाले समय में इमरान खान तालिबान के जेलों में बंद होंगे। पाकिस्तान के लोग बॉर्डर छोड़कर हिंदुस्तान में शरण ले रहे होंगे। पाकिस्तान में चारों तरफ त्राहिमाम मच जाएगा। जरा सोच कर देखिए, अगर ये पाकिस्तान आज भारत के साथ संगठित रहता तो क्या होता। ऐसी हालत में पाकिस्तान कभी कंगाल नहीं होता, उसे चीन के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती। उसके कलाकार बॉलीवुड में गाना गाते और नाचते भी, लेकिन दुर्भाग्य की वजह से एक नेता ने पाकिस्तानियों को भारत से अलग कर दिया है और आज पाकिस्तान दर्द की मार से कतर रहा है। पाकिस्तान में चीनियों को मारा जा रहा है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्र में बुधवार को निर्माण कामगारों को ले जा रही एक बस पर हुए हमले में 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर कोहिस्तान जिले के दासू इलाके में हुई, जहां चीनी इंजीनियर और निर्माण श्रमिक एक बांध बनाने में मदद कर रहे हैं। यह बांध 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है।
अब जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि पाकिस्तान में लगाए गए चीन के सारे पैसे डूबने वाले हैं। आज हालात ऐसी हो गई है कि चीनी नागरिक जो पाकिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वे डर के मारे सहम गए हैं। वे बार बार अपनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मदद मांग रहे हैं। जिनपिंग भी जानता है कि तालिबान का काम तमाम वेटा इमरान से ना हो पाएगा। इस बीच चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा कि बस पर हमला किया गया। अपर कोहिस्तान के उपायुक्त मोहम्मद आरिफ ने अपने शुरुआती बयान में कहा कि निर्माणाधीन दासो बांध की जगह पर चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों को ले जा रही बस में विस्फोट होने से 9 चीनी नागरिक और फ्रंटियर कोर के 2 सैनिकों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। अब तक चीन पाकिस्तान में लगातार भारत के खिलाफ परियोजनाएं चला रहा था जिस पर अब तालिबान के काले बादल मंडरा रहे हैं। अब चीन को आशा की किरण भी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि चीन तालिबान से टकराने की सोचा भी तो बीजिंग का सत्यानाश हो जाएगा। अधिकारी ने कहा कि धमाके के बाद इस गहरी खाई में गिर गई। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। संसदीय मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार बाबर अवन ने नेशनल असेंबली में इसे कायरतापूर्ण हमला बताया और कहा कि इससे पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच विशेष पहल से ध्यान नहीं हटेगा। अवन ने कहा कि वे गृह मंत्री शेख राशिद अहमद से सदन को देश की सुरक्षा स्थिति के बारे में अवगत कराने और घटना के बारे में जानकारी देने के लिए कहेंगे। बीबीसी उर्दू सेवा ने बताया कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि जोर की आवाज हुई और बस हवा में उछलकर नीचे गिर गई। एक अन्य चश्मदीद के हवाले से उसने कहा कि बस हवा में उछलती दिख रही थी। कुछ देर बाद जोरदार आवाज के साथ बस जमीन पर गिर गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे जहां घायल चिल्ला रहे थे। हालांकि बांध निर्माण के लिए जिम्मेदार जल और बिजली विकास प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि यह एक दुर्घटना थी। अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद और जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान हमेशा से अपने धरती को पवित्र बताता आया है जहां कोई हमले नहीं होते, लेकिन आज जो लोग उस बम धमाके की आंखों से जो हाल देखा उन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा विस्फोट के बाद बस गहरी खाई में गिर गई और भारी नुकसान हुआ। एक चीनी इंजीनियर और एक सैनिक लापता है। बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री के विशेष सहायक कमरान खान वंगेश ने कहा कि एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल तथ्यों का पता लगाने के लिए अपर कोहिस्तान के लिए रवाना हो गया है। वंगेश ने कहा कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा अधिकारियों को तैनात किया गया था। जो लोग गंभीर हालत में हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए स्थानांतरित किया जा रहा है। बचाव के लिए 1122 एम्बुलेंस और बड़ी संख्या में अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी तो दोस्तों शुरुआत है। आने वाले समय में तहरीकी तालिबान पाकिस्तान में इतने धमाके करेगा कि एम्बुलेंस कम पड़ जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जांच जारी है जबकि स्थानीय अधिकारी घायलों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान और चीन घनिष्ठ मित्र और पक्के भाई है और पाकिस्तान देश में चीनी नागरिकों परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। इस वक्त पाकिस्तान चीन को जबरदस्ती मीठी शरबत पिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन को समझ आ गया है कि इस बम धमाके के बाद अब उसे सड़क बनाने में नरक जैसे हालातों से गुजरना पड़ सकता है। बीजिंग में चीन ने दसु जल विद्युत संयंत्र के पास बस पर बम हमले की निंदा की और पाकिस्तान सरकार से दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियांग ने कहा कि वे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए बम हमले से स्तब्ध है और इसकी निंदा करते हैं। दोस्तों अब उन्हें कड़ी निंदा नहीं करनी चाहिए बल्कि सच में पाकिस्तान से बाहर भागने की तैयारी करनी चाहिए। झाओ ने कहा हमने पाकिस्तानी पक्ष से घटना की तह तक जाने, हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, कड़ी सजा देने और पाकिस्तान में चीनी कर्मियों संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा की ईमानदारी से रक्षा करने की मांग की है। इतना ही नहीं तालिबान को अपना देश के अंदर आता देख इमरान खान समेत पाकिस्तान के सभी मंत्री बेहोश हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत से सटी अफगानिस्तान की सीमा के प्रमुख रास्ते को बंद कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों के महत्वपूर्ण स्पिन बोल्डर क्रॉसिंग पर कब्जा जमाने की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। चमन के सहायक आयुक्त आरिफ काकर ने मीडिया को इस बात की पुष्टि की कि अफगानिस्तान से सटे चमन बॉर्डर पर मैत्री द्वार रास्ते को बंद कर दिया गया है। इस बीच तालिबान ने बुधवार को पाकिस्तान से सटे अहम रणनीतिक बिंदु स्पिन बोल्डक पर अपना नियंत्रण होने की घोषणा की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कथित तौर पर तालिबानी लड़ाके दक्षिण पूर्वी शहर स्पिन बोल्डक में नजर आ रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तानी शहर चमन के लोगों ने भी सीमा रेखा के पार तालिबान के झंडे लहराते देखे और तालिबानी लड़ाकों के वाहन भी देखे गए। काकर ने कहा उच्च स्तर की सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित
बातचीत की गई है। हालांकि उन्होंने तालिबान लड़ाकों द्वारा स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग पर नियंत्रण की रिपोर्ट के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। स्पिन बोल्डक पाकिस्तान के चमन शहर से सटी अफगान सीमा का एक अहम राजनीतिक बिंदु है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में इस अहम बिंदु के आसपास तालिबानी लड़ाकों का नियंत्रण होने का दावा किया गया है। हालांकि अफगान सरकार के अधिकारियों ने इसका खंडन किया है और कहा है कि स्पिन बोल्डक उनके नियंत्रण में है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं देश हित से जुड़े एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।